me your tiger. बहुत गहरी नींद सोई तुम, किंतु मैं कैसे सोती? अंतरात्मा होने के नाते तुम्हारे दुष्कर्मों का बोझ है मुझ पर, और दुख भी है उस दुर्व्यवहार पर जो तुमने अपनी बहन और उसके पुत्र के साथ किया था। तुमने करुण की शक्ति का अनुभव किया है ना कद्रू? अभी तो शक्ति पर उसकी मां का अंकुश है, किंतु यदि तुम्हारे अत्याचारों के कारण वो अंकुश टूट गया तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। ना मैं ज्ञानी हूं ना विद्वान, केवल एक माँ हूं जो अपने पुत्र को आदर्श जीवन जीने के लिए आवश्यक संस्कार देना चाहती है। हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमपिता विष्णु, इस संकल्प में मेरी सहायता कीजिए। पहला संस्कार, बड़ों के सामने हाथ से छूटी हुई छड़ी बनना। हाथ से छूटी हुई छड़ी? मैं कुछ समझा नहीं माँ। जैसे हाथ से छूटते ही छड़ी नीचे भूमि पर गिर जाती है, वैसे ही अपने माता पिता और अपने से बड़ों के सामने आते ही तू सदैव नीचे झुक जाना, उनका सम्मान करना। माता पिता का सम्मान तो उचित है माँ, किंतु सभी बड़ों का सम्मान करना अनिवार्य क्यों है? आयु में बड़ा होने का अर्थ ये तो नहीं है कि वह व्यक्ति सम्मान के भी योग्य हो, और सम्मान तो अर्जित किया जाता है ना माँ। सत्य कहा तूने, इसलिए यदि तुझे स्वयं सम्मान अर्जित करना है तो पहले दूसरों को सम्मान देना सीखना होगा। मान ले कोई ऐसे व्यक्ति है जो तुझसे आयु में बड़े हैं, किंतु तू उनके आचरण से संतुष्ट नहीं है, तो भी यदि तू उन्हें सम्मान देगा तो उनसे कुछ ऐसा प्राप्त कर पाएगा जो उनके पास प्रचुर मात्रा में है किंतु तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और वो क्या है माँ? अनुभव। नासमझ व्यक्तियों को जीवन का ज्ञान अपने अनुभवों से स्वयं अर्जित करना पड़ता है, किंतु विद्वान वो होता है जो दूसरों के अनुभव से शिक्षा लेना सीख लेता है। तुझे पता है महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया है, पुराणों और ब्रह्म सूत्रों की रचना की है, उनसे एक बार उनके एक शिष्य ने
वेद पुराण और ब्रह्म सूत्रों का सार एक पंक्ति में पूछा तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था सभी धर्म ग्रंथों का सार वो एकमात्र सीख जिसका पालन करने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है वो है मन से वचन से और कर्म से बिना उचित कारण किसी के भी हृदय को पीड़ा मत पहुंचाना और यही तेरा दूसरा संस्कार भी है। माँ वचन और कर्म पर तो फिर भी नियंत्रण रख सकता हूँ किंतु मन का क्या करूं इसमें तो भांति भांति के विचार आते रहते हैं। मन को स्थिर करना है तो विचारों को स्थिर करना सीख। जब कभी तुझे क्रोध आए या मन विचलित हो जाए तो अपने गुरु का ध्यान धर। उनकी वाणी उनकी शिक्षा और उनके दिए हुए संस्कारों के बारे में सोच। ऐसा करने से तेरा आवेग शांत हो जाएगा और फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। मेरी गुरु तो आप ही है माँ, मैं आपका ही ध्यान करूंगा। तू सारथी जीवन रथ की, तू ज्योति किरण मेरे पथ की, तेरे ज्ञान में ही मिल जाती है मुझे सोच समझ सारे जग की। मुझे भगवान के रूप में तू स्वीकार है माँ, स्वीकार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार, प्रातः स्मरणीय बनना। ये बनना इतना भी कठिन नहीं है। इसके लिए अब तक बताए 6 संस्कारों का प्रत्येक परिस्थिति में पालन करना है तुझे। विपदा में व्यक्तित्व निखरता है गुरु, इसलिए सामने कितना भी घनघोर संकट क्यों ना आए तू सदैव अपने आदर्शों पर अड़िग रहना। यदि तू ऐसा कर पाया तो अपने आप संसार के लिए वंदनीय बन जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपना जीवन आपके लिए और आपके आदर्शों के लिए समर्पित कर दूंगा और आपके सिखाए गए संस्कारों का सदैव सभी परिस्थितियों में पालन करूंगा। वचन है मेरा। सदैव प्रसन्न रहे गरुड़, तुझे अपना वचन पूर्ण करने का सामर्थ्य मिले, श्री विष्णु की कृपा सदैव तुझ पर बनी रहे।
चिंता, कहाँ तुम? दोनों माँ और पुत्र इस समय कहाँ गए थे? विंता, कब से बुला रही हूँ? शीघ्र और दोषी। जो प्रतिदिन अपनी माँ को महल के बाहर छोड़कर जाता है ताकि वो दासी बनकर भर दे दूसरों की सेवा करती रहे, ये निर्लज्जता नहीं तो और क्या? दासी बनना मेरी नियति में है, तेरी नहीं। तू कभी किसी का दास नहीं बनेगा, एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। यदि तू इसे अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती तो बता दे, मैं लोहे की साकलों में बंधवा कर इसे अंधकूप में भिकवा दूंगी। तू तो बस दासी है, तेरा पुत्र बंदी होगा मेरा जीवन भर के लिए। महारानी मेरी बड़ी बहन है, तेरी बड़ी माँ है, इन्हें आदर और सम्मान तुझे देना ही चाहिए, जैसे तू मुझे देता है। क्या चाहती थी तू? एक बुद्धिमान, आज्ञाकारी पुत्र। तेरे विष्णु भगवान ने तो तेरी इतनी सी प्रार्थना भी नहीं सुनी। यदि तूने कभी भी मेरे पुत्रों का अपमान किया या उनका अहित करने के बारे में सोचा तो प्रकृति की कोई भी शक्ति तुझे मेरे क्रोध से नहीं बचा पाएगी। तेरी माँ मेरी दासी है गरुड़, और तू, एक दासी। वर्षों पहले क्या हुआ था, किससे पूछूं मैं? कैसे पता चलेगा मुझे इसका? इस समस्त पृथ्वी पर, आकाश में, व्योम में, पाताल में क्या कोई है जो मेरी सहायता कर सकता है? कोई है? तेरे पुत्र के धंधे में कोई कमी रह गई थी। मुझे क्यों अवसर देती है तू? कोई भी कार्य समय पर पूरा क्यों नहीं होता है? जानती है ना, यदि मेरे पुत्र भूखे होते तो। भोजन करवा दिया है महारानी, महल की झाड़ पोछ और अन्य सभी कार्य भी कर लिए हैं। आज आपकी नींद देर से खुली इसलिए। तो जब मन करेगा आएगी, जब मन करेगा जाएगी। और मुझे प्रत्युत्तर देने का दुस्साहस कैसे किया तूने? क्षमा कीजिए महारानी, भूल हो गई। भूल मत कि निवास का स्थान, भोजन, वस्त्र, यहां तक कि तेरा समय भी तेरा नहीं, मेरा है, मेरा। मेरी अनुमति के बिना ना तो तू कुछ करेगी, ना कहीं आएगी और ना जाएगी। ध्यान रहे। जी महारानी। लो, अरे लो, लो। भैया, ये लो। ले। भैया हमारी तरफ, अरे ले ना ले। ये।
भैया लो अरे अरे लो क्या करोगे ये गेंद लेके क्योंकि वापस लेना तो तुम लोगों के लिए संभव नहीं है। अरे कालिया भैया एक बार दो तो सही एक बार कालिया क्यों सता रहे हो इन्हें दे दोगे आप बोलते हो तो दे देता हूं लो इस खेल में तुम सब मिलके भी हम दोनों को नहीं हरा सकते ये खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम लोग सब डिम में थे क्योंकि हमें वो सारे भेद पता हैं जिन्हें सीखने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे अभिमान में ही सही किंतु कालिया भैया ने सत्य कहा तक्षक भैया कालिया भैया और ये सभी मुझसे आयु में बड़े हैं हो सकता है कि इन्हें ज्ञात हो मेरी माँ बड़ी माँ की दासी कैसे बनी किंतु ये इतनी सरलता से मुझे कुछ नहीं बताएंगे मुझे चतुराई से इनसे पूछना होगा किंतु कैसे क्या किया तूने गेंद उस पर्वत पर क्यों फेंकी भूल हो गई कालिया भैया आपसे बचाने के लिए पप्तू ने गेंद अधिक तीव्रता से घुमा दी और अनजाने में गेंद थोड़ी दूर पहुंच गई थोड़ी दूर मांडव पर्वत है वो लंबी नुकीली धुधारी तलवार से भी अधिक तीव्र धार वाली मणियों का एक ऐसा जाल है वहां जहां चढ़ के जाने की कल्पना करना भी असंभव है अब कैसे खेलेंगे हम आशीष मंदी तू जा गेंद लेके आना बड़ा साहसी बन रहा है तू चला जा भूल गए तुम दोनों उस ओर देखने से भी मां ने मना किया था तक्तु भैया धूमल भैया तक्षक भैया कालिया भैया आप दोनों तो हम सबसे बड़े हैं ना और हम सबसे अधिक शक्तिशाली भी तो हैं हाँ और हम सबसे अधिक वीर भी तो हैं अब तो आप ही जाइए और गेंद लाकर दिखाइए हम दोनों एक साधारण सी गेंद लेने मैं जाऊं ऐसी व्यर्थ की चुनौती हम स्वीकार नहीं करते यही अवसर है यदि मैं इन्हें प्रसन्न करने में सफल हो गया तो संभव है ये मुझे अतीत का रहस्य बता देंगे चिंता मत कीजिए आप सब मैं हूं ना मैं लाऊंगा आपकी गेंद oh.
भूतों के मुख में जा रहा है। उस पर्वत पर एक छोटी सी गेंद ढूंढना असंभव है, और अगर ढूंढ भी लिया तो निकाल कर वापस लाना तो बिल्कुल ही असंभव है। इतने नुकीले पत्थर है वहां, यदि स्पर्श भी हो गया तो उसका पंख तन से कट जाएगा। और माँ ने तो ये भी बताया था कि वहां मायावी शक्तियों का वास है। रक्त पिपासु है वह शक्तियां, यदि रक्त की एक भी बूंद उन तीक्ष्ण पत्थरों पर पड़ती है तो पहाड़ जागृत उठते हैं और अपने शिकार को पूरे का पूरा निगल लेते हैं। तो फिर गरुड़ के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, आनंद ही आनंद आ जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.